प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भोपाल से सिंगाजी खंडवा जाते समय ग्राम कोठरी रुके, जहां स्थानीय कार्यकर्ताओं और नेताओं ने कृषि मंत्री का स्वागत किया। उन्होंने किसानों की व्यथा जानने का प्रयास भी किया, किंतु किसानों की फसल की नुकसानी और किसानों का हाल जानने रुके कमल पटेल को। तीनों कार्यक्रमों में स्थानीय नेताओं ने ही घेरे रखा। बहुत से किसान अपनी मन की बात नहीं कह पाए, बल्कि मंत्री के पास पहुँच तक नहीं पाए। आष्टा पहुँचने पर कृषि मंत्री कमल पटेल को तहसील के सामने कांग्रेस नेताओं ने किसानों की मांगों को लेकर रोक लिया और ज्ञापन दिया। ज्ञापन देकर मांग की गई कि किसानों की फसल खराबी को लेकर सभी किसानों को मुआवजा मिले, किसानों का कर्ज शत प्रतिशत माफ किया जाए, फसल बीमा सभी किसानों को मिला है, 31 सितंबर आखिरी तारीख बताकर बीमे के नाम पर कोई शुल्क न लिया जाए। कांग्रेस ने अपने ज्ञापन में बताया कि किसानों से बिजली विभाग जिस तरह से ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल या अन्य उपकरणों की कुर्की कर बिजली बिल की राशि वसूल रहा है, वह बंद की जाए। इतना ही नहीं, बैंक भी किसानों से अपने कर्ज सख्ती से वसूली कर रहा है। उन्होंने किसानों के साथ हो रही ज्यादती को लेकर सरकार को किसान हितैषी नहीं बल्कि पूरी तरह से किसान विरोधी सरकार बताया। स्थानीय कांग्रेस ने एक ज्ञापन राज्यपाल के नाम तहसील कार्यालय में भी दिया। इसके बाद खाचरोद में भी किसानों से रूबरू होने के लिए रुके कृषि मंत्री, लेकिन यहाँ भी किसानों की समस्याओं से ज्यादा वाकिफ नहीं हो पाए। इस तरह मंत्री पटेल का यह आष्टा का दौरा किसानों की समस्याओं को सुनने, किसानों से मिलने का न होकर महज स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं का मिलन समारोह बनकर रह गया। और किसानों से संवाद के इस कृषि मंत्री के दौरे में जगह जगह आयोजित हुए कार्यक्रमों में कई किसान संवाद से वंचित रहकर मायूस होकर घर लौट गए। बिल्कुल सही बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछली कमलनाथ जी की सरकार में सीहोर जिले में इतना नुकसान नहीं था, इसके बावजूद भी हम सब कांग्रेस परिवार के लोगों ने आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी से निवेदन किया कि साहब, ये सर्वे को छोड़ के पूरे जिले को आप घोषित करा दीजिए और बिना सर्वे के सबको मुआवजा मिलना चाहिए। और उस समय 4 किस्तों में मिलना था, एक किस्त भी मिली और 100% किसानों को बीमा भी मिलेगा, उसकी राशि जमा की जा चुकी। वही मांग हमने कृषि मंत्री जी को कहा कि जब पिछली सरकार, तब तो मुख्यमंत्री का गृह जिला नहीं था, अब तो मुख्यमंत्री का गृह जिला है, और अगर वास्तव में वो किसान पुत्र है तो इसको बिना सर्वे के आधार पर 100% नुकसान घोषित करके मुआवजा देना चाहिए, और उसके साथ साथ पिछला बीमा तत्काल देना चाहिए और 3 किस्तों को भी तत्काल देना चाहिए। इसके साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि आज मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने एक पेन ड्राइव जारी की मीडिया के सामने, और उनने ये कहा कि ये किसानों की सूची है, इसमें आप देख लीजिए कि कितने का माफ हुआ है। उसमें कृषि मंत्री कमल पटेल का भी कर्ज माफ हुआ, शिवराज के परिवार का भी हुआ, तो हमारे कहने कैबिनेट का डिसीजन था, और अब तो किसान पूरा परेशान है। तो उस स्थिति में आपको पुराना जो कर्ज है वो माफ़ करना चाहिए, और लगातार जो अगर आप माफ़ नहीं करोगे तो हम पिछली राशि अगर नहीं देते हैं, इनको सर्वे के कराने की जगह ये सीधा घोषित नहीं करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी बड़े लेवल पर आंदोलन करेगी। हमने मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री मनहूस बैठे हैं उनके पेड़ से पूरा प्रदेश किसान का सोयाबीन तबाह हो गया, किसान तबाह हो गया। हमने माननीय राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया है, कृषि मंत्री को भी ज्ञापन दिया है, और उनमें ये बात कही है कि जो किसान बर्बाद हुआ है, इसका जो सोयाबीन बर्बाद हुआ है, इसका मुआवजा और इसकी बीमा राशि दी जाए, और हमारा किसान का जो 25% जो पैसा पहले दे चुके हैं उसका 75% बाकी है वो वापस किया जाए, और किसानों के ऊपर जो इतनी महामारी जो आई है आज की तारीख में, और जगह जगह आप सर्वे वाली बात कर रहे हैं, जब 100% किसान की फसल बर्बाद हो गई तो उसमें सर्वे की आवश्यकता ही नहीं है। और किसान जो राजस्व में कहीं का बई लगा रहा है, कहीं का पट्टा लगा रहा है, कहीं का फोटोकॉपी करा रहा है, उस पर लूटपाट मची हुई है, उसको रोका जाए। और हमारे यहाँ जो बिजली का जो बिल है, किसानों और मजदूरों का जो वो है, उनकी जो वसूली हो रही है उस पर आप मोटरसाइकिल, ट्रैक्टर, इसको राजसात कर रहे हैं, कुर्की कर रहे हैं। माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने बीमे की राशि और किसानों को गुमराह करने के लिए केवल किसानों को भटकाव के अलावा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन लोगों ने अभी पटवारियों को गांव में भेजा है कि जो भी डिफाल्टर किसान है वो अपना बीमा कराए, लेकिन डिफाल्टर किसान किस जगह बीमा कराए ये पता नहीं है अभी तक, और ना कोई साइट खुली है और ना बीमा कराने की कोई फिक्स स्थान है, ना कोई बैंक तैयार है, और ना इसके ऊपर जो साइट जो कंप्यूटर पर खुलना चाहिए वो साइट अभी तक बंद है, और 31 तारीख उनकी करीब है, तो केवल गुमराह किया जा रहा है। हमारा कहना है तो ये है कि आपको ना तो सर्वे की ज़रूरत है और ना किसानों से बीमा करवाने की ज़रूरत है। जब 100% हमारी फसल पूरी ख़राब हो गई है, पूरे ज़िले की जो फसल है वो पूरी बर्बाद हो चुकी है। पिछली बार हमारे शिवराज सिंह जी एक कार के ऊपर खड़े होकर के ये बोल रहे थे कि 40,000 रुपये हेक्टर किसानों को दिया जाना चाहिए, किसानों के उसमें
फसल में फल्ली नहीं लगी है तो अफलन की स्थिति है। हम कह रहे हैं कि आपकी बार तो अफलन भी नहीं और ना भांजपन है, लेकिन पूरी की पूरी फसल एक ऐसी इल्ली और ऐसी बीमारी, एक रात के अंदर जो पानी गिरा उसके दूसरे दिन पूरी पूरा खेत पीला पड़ के और पूरी फसल ही बर्बाद हो गई है और किसी के सर्वे की ज़रूरत नहीं, पूरा का पूरा क्षेत्र ही बैठ गया, पूरा सीहोर जिला बैठ गया। सोयाबीन खराब भी हो रहा है और हमारे परेशानी ये है कि हमारा कुछ हो नहीं पा रहा है, मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और बहुत सारी सुविधा है, दिक्कत है हमारे। जो फसल खराब हुई है अभी आपकी, हाँ कितनी फसल दिया? हमारे थी कम से कम 14-15 एकड़। पूरी खराब हो गई? पूरी खराब हो गई। क्या हुआ है फसल? सर फसल में रोग लगा हुआ है, वो तो ख़त्म ही हो गई सर फसल। तो किस तरह का रोग है? क्या उमस लगी उसमें? उमस नहीं है, उमस हो रही है। उमस की वजह जी मंत्री जी आए थे, उनसे कोई चर्चा हुई जी? उनसे नहीं हुई चर्चा। भीड़ ज़्यादा थी? भीड़ ज़्यादा थी सर, पूरा एक भरा था कल तो इन सब। किसान मुलाकात नहीं कर पाए? नहीं पकड़ पाए सर। आपने प्रयास करा था मिल जाएगा? सर प्रयास तो करा है, भीतर जाने ही नहीं दिया हमको। जैसे बाढ़ आई थी, बाढ़ में नष्ट हो गए बहुत सारी। किससे मुलाकात हुई आपकी? ये 3.5 एकड़ का जमीन है सर। मुलाकात हुई किसी से आपके अधिकारी? अभी अधिकारी से कोई आवक जावक में दिया आवेदन। मंत्री जी आए थे उनसे बात हुई? नहीं हो पाई, मिल नहीं पाए। मुलाकात नहीं कर पाए आप? नहीं पाए कर पाए। क्या हुआ था? घेर लगा था लोगों ने उनको जी? मंत्री जी को घेर लगा था लोगों ने? हाँ रखा, वही तो भी भड़के नहीं मिल पाए। अब अपनी बात नहीं कह पाए मंत्री? हाँ। नुकसान कितना हुआ होगा आपका? 3.5 एकड़। कितनी फसल होती है? 3.5 एकड़ पर जमीन फसल देख लो कितनी होनी चाहिए आपको। नहीं पिछले साल कितनी हुई होगी आपकी? हम 25 का पिछले साल भी ऐसे पिटा गया था सर। पिछले साल का बीमा नहीं मिला अभी तक ना, को मुआवजा मिला उसका भी पिछले साल का भी? पिछले बार का भी नहीं मिला? नहीं मिला अभी। इस बार और आपका ये मार पड़ गई है? और ऊपर से मार पड़ गई है। अब किसान क्या करे, उसमें पिटाएगा सी किसान? अब कहाँ से केसीसी का भरे हो, कहाँ से किसान वो करें? कल तो मंत्री जी किसानों के लिए आए थे, फिर आए थे लेकिन भीड़ भड़कम मुलाकात नहीं हुई, क्या करे? फसल बीमा के लिए आए हैं, फसल खराब हो गई पूरी हमारी। फसल की 2.5 एकड़ जमीन थी मेरे पास, तो सभी की मतलब टोटल किसानों की हो गई समस्या। किस कारण से खराब? क्या पता क्या है, वो पानी ऐसा गिरा कोई तेजाब जैसा, पूरी फसल बैठ गई है, अचानक ही हुआ है। कौन सा बीज बोया था आपने? 95/60 और 93/05। दवाई कौन सी डाली थी? दवाई तो 5 बार दे चुके हम। कौन कौन सी डाली? ट्राइजोफार भी दी हमने और इसका लेमड़ा और दूसरी भी दी, तो और एक बार फोरेट भी दे दी हमने, जैसे मच्छर थे उसमें तो फोरेट वगैरह भी छीट दी। इसके बाद खर्चे इतना करने के बाद भी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। खाद भी दिया ना, DAP दिया, यूरिया दिया है कि अपना जैविक खाद भी दिया है। उसके बाद आपके यहाँ जो कृषि विस्तार अधिकारी या ग्राम सेवक है या जो कृषि से संबंधित अधिकारी, वो कभी आए थे? नहीं नहीं कोई नहीं आया, ना ग्राम सेवक आया है। आपने कभी जा कर के उनसे बात की? सर बात ही नहीं करते ना वो, आप भी उनके पास ही आए, हम बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? 4 दिन बाद आना। क्यों? बस क्या पता। स्थानीय कार्यकर्ता और नेताओं ने जिस तरह से मंत्री कमल पटेल को भारी संख्या में घेरे रखा, उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के सारे नियम कायदों की धज्जियां उड़ी। बगैर मास्क लगाए लोगों का हुजूम कृषि मंत्री के इर्द गिर्द पूरे समय रहा। पूरे समय स्थानीय नेता और कार्यकर्ता मंत्री के साथ सेल्फी और फोटो लेने में लगे रहे और स्थानीय प्रशासन देखता रहा। यही कारण रहा कि किसान कांग्रेस पार्टी द्वारा दिए जा रहे ज्ञापन के समय शामिल हुए। आष्टा से विक्रम ठाकुर की रिपोर्ट।